ये दो अक्षर हैं, अभोक्ता और असोचता। हर एक बात में एक सेकंड लगता है। जब जीवन मुक्ति सेकंड में, बाप से वर्षा सेकंड में। सेकंड का अर्थ भी समझाया, बच्चा बाप को पैदा हुआ और वर्षा मिला, क्या टाइम लगा। निकला कुछ है? देखा कि बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वारिस है, जानते हो ना। तो जानने में 1/60 सेकंड का टाइम लगा ना। यहां भी तो कहा जाता है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। उनका अर्थ कोई ऋषि मुनि आदि समझ सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं समझेंगे। बस सेकंड माना ही बाप को जाना, और किसके द्वारा जाना? बच्चों द्वारा। और जनक को किस द्वारा? अष्टावक्र के द्वारा। कौन हुआ अष्टावक्र? कौन हुआ जनक? रामवाली आत्मा क्या? जनक। जनक माने बाप, जन माने जन्म, का माना करना, जन्म करने वाला, अर्थात जनक माना बाप। तो जनक को जीवन मुक्ति किसके द्वारा मिली? क्या नाम बताया? अष्टावक्र के द्वारा। कौन हुआ अष्टावक्र? 8 जगह से वक्र। क्या? ऐसे तो कृष्ण को त्रिभंगी लाल कहते हैं, 3 जगह से टेढ़ा, गर्दन से भी टेढ़ा, कमर से भी टेढ़ा, घुटनों से भी टेढ़ा। लेकिन फिर बोला है यहां अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़ा। क्या ये 8 जगह तोड़ फोड़ किसने की होगी? है अष्टावक्र को 8 जगह से टेढ़ा बनाने वाला कौन? जो 8 धर्मों की विधर्मी रानियां हैं, उन रानियों ने पट्ट में गिरने से पहले इनको तोड़ फोड़ कर दी, तो 8 जगह से टेढ़े हो गए। कौन? किसकी आत्मा की बात है? कौन टेढ़ा हो गया है? अरे ज्ञानी टेढ़ा होगा या अज्ञानी टेढ़ा होगा? कौन टेढ़ा होगा? ज्ञानी धोखा खाएगा या अज्ञानी धोखा खाएगा? अज्ञानी ही धोखा खाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो किसी से धोखा नहीं खा सकते। तो कौन हुआ अष्टावक्र और कौन हुआ जनक है? रामवाली आत्मा जनक है और कृष्ण वाली आत्मा अष्टावक्र। शरीर छोड़ने से पहले ही 8 रानियों ने धोखा दे दिया, तो 8 जगह से टेढ़ा हो गया। फिर जनक को वर्षा किससे मिला?
ज्ञान धन का है। अरे कोई तो प्रैक्टिकल में देने वाला निमित्त बना, कौन बना है? अरे राम वाली आत्मा को ज्ञान कहां से मिला? बेसिक में थी या नहीं थी? थी तो कहां से मिला? ब्रह्मा से मिला ना। तो कृष्ण वाली आत्मा अगर अष्टावक्र है तो ज्ञान का वर्षा कहां से मिला? मुरलियों का ज्ञान कहां से मिला? ब्रह्मा से ही मिला ना। तो तुम लोगों ने अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ी है। तुम्हारे में से तो कोई शायद पढ़ी नहीं होगी। मैं तुमको मंगा करके दूंगा। तो अष्टावक्र यानी बच्चे ने और सो भी अष्टावक्र बूढ़ा बूढ़ा कुकड़ा मुकड़ा सिकुड़ा क्या? सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई। क्या सुनाया होगा है? अष्टावक्र ने जनक को क्या सुनाया होगा? अरे कुछ सुनाया होगा या नहीं? बाबा को पहचानते हो? वो तुम्हारा बाबा लगता है। हाँ बाप लगते हैं। बस बाप लगते हैं। उनकी आंखें बंद हो गई और साक्षात्कार कर लिया। समझा ना? ये बड़ी आखानी है घोड़े के ऊपर। घोड़ा माने क्या है? मन रूपी घोड़ा। वो कहते थे कि घोड़े के ऊपर हम ऐसे पैर धरे और मुझे साक्षात्कार हो जावे। जैसे किसका हठ पूरा करना हो तो ये बड़ी अच्छी आखानी है। अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है ये आखानी की बात। सेकंड में है ना? तो बच्चा पैदा हुआ और ये बारिश बना, निश्चय हुआ तो पकड़ लेना चाहिए। अभी निश्चय होकर के अवस्था जमाना उसके ऊपर है। बच्चे के ऊपर है वर्षे का हक, यानी कितना ऊंचा पद पाएंगे। बस कोई देर थोड़ी ही लगती है।